मौजूद है, कृष्णा नगर में इस वक्त मौजूद है। अनुराग, चार गुना सैलरी एक्सपेंशन दिल्ली के विधायकों का, यानी कि देश में किसी भी राज्य के विधायकों में सबसे ज्यादा सैलरी होगी अगर ये सिफारिशें लागू हो जाती हैं। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की सेवा इसी तरह से करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सिफारिशें हैं ये फिलहाल इंडिपेंडेंट कमेटी की, जो विधानसभा अध्यक्ष ने बनाई थी कमेटी, और ये सिफारिश अब सरकार के पास जाएंगी, विधानसभा में जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सिफारिशें तो चलिए इतनी बड़ी तनख्वाह की कर दी गई है, लेकिन उनको ये सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, अब बॉल जो है वो इस सरकार के कोर्ट में है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सरकार के पास जो सिफारिशें गई है विधायकों की, चार चार गुना सैलरी, 2 लाख रुपए से ऊपर का पूरा बजट जा रहा है विधायक का, क्या आपको जायज लगती है ये चीज? नहीं, कहीं से भी जायज नहीं है, लेकिन बात यह है कि 70 में से 67 बंदे आपके हैं, अब जो मर्जी फैसला लीजिए, जो मर्जी कीजिए। तो ये यहाँ तो शुरू से यही दिख रहा है कि भी ये लोग अपनी सैलरी बढ़ाने के पक्ष में है, तो ये कह सकते हैं ही रगे ना वो फिटकरी, रंग भी चोखा, वो वाली हरकत होने वाली है। लेकिन अगर इतना ज्यादा बढ़ाएंगे तो जनता पे जबरदस्ती का बोझ डलेगा, जनता को वैसे भी महंगाई लेनी पड़ रही है और इन लोगों का बोझ भी अपने सिर पर डालना, जनता पर बोझ डलेगा। लोगों की ये राय है, सरकार कितना इत्तेफाक रखती है, क्या इन कमेटी की सिफारिशों को मानती है नहीं मानती है, एक और राय ले लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है, क्या आपको लगता है कि जायज है 4 गुना बढ़ा देना विधायकों की सैलरी जैसा कमेटी ने सिफारिश किया? बिल्कुल गलत है, इनको तो ये चाहिए कि अगर 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो 6 गुना महंगाई को कम भी करें, ताकि जनता के ऊपर ना असर पड़े, जनता के ऊपर असर ना पड़े। लेकिन फिलहाल तक जो कमेटी की सिफारिशें हैं, अगर उनको माना जाता है तो ये तय है कि बहुत ज्यादा सैलरी विधायकों की बात है, और जनता की जेब पर निश्चित तौर पर अनुराग बोझ पड़ेगा अगर ये सिफारिशें मान ली जाती हैं, सरकार इस बॉल को कैच कर लेती है तो विधायकों के जरूर पार्टी टाइम भी हो जाएगा। रूफे, अनुराग के साथ जो लोग हैं वो तो जाहिर बात है परेशान है इन सिफारिशों के बाद से, लेकिन आदमी के पास जब बिजली का बिल आएगा और उसमें 100 रुपए से 500 रुपए तक पर्यावरण टैक्स उन्हें चुकाना होगा, तो उनके घर का बजट तो डामाडोल हुआ पूरी तरह से। देखिए, बिल्कुल एनजीटी का आदेश है, उसका पालन तो करना ही होगा, लेकिन क्या लोगों को ये बात रास आ रही है जो बिल में जुड़ करके आएगा 100 से 500 रुपए, ये हम जान लेते हैं। आपका जो बिल आता है बिजली का, उसमें 100 से 500 रुपए तक आपकी कॉलोनी के हिसाब से, उसके ग्रेड के हिसाब से जुड़ करके आएगा, क्या आपको जायज लगती है बात? बिल्कुल गलत है ये, और ये जो है जितने भी पॉल्यूटिंग एरिया है जहाँ से पॉल्यूशन निकलता है, अगर ये उनके ऊपर लगे, ये आम जनता के ऊपर जो बिजली के बिल में जो जुड़ के आएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक कॉम्पनसेशन फीस लेने के लिए कहा था एनजीटी ने, क्या आपको जायज लगता है कि बिजली के बिल से वो लिया जाए 100 से 500 रुपए? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में मेन पॉल्यूशन का कारण ही व्हीकल्स है। हर रोज 1400 व्हीकल्स निकल गाड़ियां निकल रही है दिल्ली में, इतनी सारी गाड़ियां, उस पर क्यों नहीं सरकार रोकथाम करती? सरकार रोकथाम क्यों नहीं करती है, वो बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि एनजीटी के आदेश को अप्लाई करने का यही एक तरीका हो सकता था, 100 से 500 रुपए हर आदमी के बिल में जोड़ दिया जाए? देखिए, टेक्निकली हम कहेंगे गलत है, एनजीटी का ऑर्डर है, पे तो करना पड़ेगा, लेकिन सेक्शन 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू लाइफ। लेकिन ये कैसा राइट टू लाइफ है जहाँ पे लोग लंग्स कैंसर से मर रहे हैं, लेकिन बोझ बढ़ेगा इतना भी था। एक बार रूफी का हम रुख कर लेते हैं, मेरे पास समय थोड़ा कम है। रूफी,